हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। आज की वीडियो में ना मेरे पास जो ये वाली सॉइल पड़ी थी, मिट्टी पड़ी थी ना, वो एक्चुअली मेरे पास ग्रो बैग पड़े थे, तो इसमें तो मैं नई मिट्टी ला के डालूंगा। तो मैंने ग्रो बैग एक रेडी कर लिया, ये होममेड ग्रो बैग है। जिनको नहीं पता, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, प्राइस बटन पर लिंक भी आया है ये कैसे बनता है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने इसमें भर लिया है, और इसमें ना मेरे पास पड़ा है कोरिएंडर यानी कि धनिया का बीज, और मैं इस पर धनिया का बीज लगा के इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको साइड में रख दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी मिट्टी वेस्ट जाए। दो तीन दिन काम नहीं हो पाएगा, उसका रीज़न ये है मेरे को मिट्टी की बहुत ज़रूरत है, और मिट्टी अभी मिल नहीं रही, खाद भी गिल्ली पड़ी है। चलो देखते हैं, पहले ये वाला सीड है जो इसमें लगा देते हैं। धनिए के साथ ना सब्जी का जो टेस्ट है, फ्रेश हो ना, मतलब कि मार्केट से ना लाया हो, फ्रेश हो, तो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाता है धनिए के साथ। इसमें लगाते हैं हम धनिए के सीड्स। ये मैंने क्रश करा हुआ था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। ये हो गया अपना, और इस पर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल देता हूँ ऊपर। इस पे लेयर ना कम लगानी पड़ती है, ये 15 से 20 दिन में निकल आता है, और मेरा पिछला वाला धनिया अभी तक नहीं निकला, वो शायद उम्मीद है 2-4 दिन में निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो उसकी मिट्टी निकाल के इसमें डाल दूंगा मैं। तो गाइज हमारे पास ना 1, 2, 3, 4, 5 पॉट है ना वो धनिए के हो गए, यानी कि कोरिएंडर के। इसमें मैंने अभी धनिया लगा के पानी दे दिया है। हमारी एक ना थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे ना फ्री हुआ है, 2 क्यारियाँ बना के वहाँ पे मिर्चे लगाए जाएंगे, और इस पॉट में कल साग लगेगा, और ये ग्रो बैग अभी रेडी होने हैं, इनको मैं रेडी करूँगा। जो ये वाले गिलास है, इनके जो प्लांट्स हैं, 2-3 दिन में ये और बड़े हो जाएंगे, इनको फिर ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर। गाइस, जो मैंने इस पॉट पे ना धनिया लगाया था, मेरे को पता चला धनिया के सीड्स थे ना वो बहुत पुराने थे, इस वजह से ये हुआ नहीं है। और जो पालक है, ये पालक बीच में से नहीं हुई, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया इसमें पानी की कमी है, ठीक है, और मैंने इसमें पानी देना स्टार्ट कर दिया है फिर से। अगर नहीं हुआ तो मैं और सीड्स इसमें डाल के ऊपर मिट्टी डाल दूंगा, तो पालक अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और जो ये नया धनिया लगाया था ना, इसके छोटे छोटे सीड्स निकलने शुरू हो गए, तो वो धनिया ओल्ड बीज था, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना था, ये नया बीज था, और ये होना स्टार्ट भी हो चुका है। और रात हमने इन ग्रो बैग्स में धनिया लगाया था, इसमें पानी अच्छे से दे दिया, धनिया को पानी अच्छे से देना पड़ता है। और बाकी तो आपको पता ही है, इसमें आज फिर से हम साग लगाएंगे, ये मिट्टी आज मैं ले आऊँगा और इसमें साग लगा के यहाँ का फिनिश करेंगे सब कुछ, और फिर अपने ग्रो बैग का जो मटेरियल वो तैयार पड़ा, फिर ग्रो बैग और बनाने हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां लगानी है। और ऐसे बॉक्स 4-5 और लेके आने हैं मैंने, शायद आज या कल ले आऊँगा। उसमें मैंने कैरेट्स लगानी है, गाजर इन बॉक्स में लगाऊंगा, क्योंकि उसके पत्ते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, और इसमें बहुत अच्छी ग्रो करेगी। 3 बॉक्स ले आऊँगा, 3 बॉक्सों में कैरेट लगाऊँगा। सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। सो कैसे हो दोस्तों आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हाँ, और मेरे को परमिशन मिल चुकी है, थोड़ी सी जगह है हमारे पास, वहाँ पे मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल बड़े लेवल पे कर सकता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, 3 या 4 महीने लग जाएंगे, लेकिन जितनी जितनी खाली होएगी वहाँ पे छोटी छोटी क्यारियाँ डाल के वहाँ पे सब्जी लगानी मैं स्टार्ट कर दूँगा।
उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि नए खेत को बोना, क्योंकि उसको उसकी खाद को सॉफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाथों से तो नहीं हो पाएगा, ट्रैक्टर अभी चल नहीं पाएगा वहाँ पे। जैसे ट्रैक्टर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उसको मिट्टी को ना सॉफ्ट करके फिर उसमें ऑर्गेनिक सब्जियां लगानी स्टार्ट कर दूंगा। तब तक मैं यहाँ भी काम करता रहूँगा, यहाँ पे लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि नीचे से ऊपर मिट्टी लेके आनी है, फिर उसको साफ़ सुथरा करके इन बॉक्सेस में डालना पड़ता है, फिर सीड्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन इस काम में मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है। हाँ, मैं इसमें आज साग लगाऊंगा और ऐसे कई बॉक्स और लेके आने हैं जिसमें मैंने कैरेट्स लगानी है, मैंने आपको पहले भी बताया। और पहले चलते हैं, आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मैं काम करना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और वहाँ पर बिल्कुल खुला डुल्ला है और ताला भी लगता है, वहाँ पे कोई आके सब्जी तोड़ भी नहीं सकता। वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जी का काम मैं फुल मजे से करूँगा। इस जगह की हमें परमिशन मिल चुकी है, यहाँ पे लगा हुआ है गाय का चारा और ये डेली काट के लेके जाते हैं घर पे गाय को देने के लिए। इसको तकरीबन एक या डेढ़ महीना लग जाएगा और इस जगह पे मैं अपनी क्यारियाँ बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। एक बार ना हमने यहाँ पे 300 प्लस मिर्चों के प्लांट लगाए थे, मैंने और मेरे कज़न भाई ने, और वो प्लांट इतने अच्छे ग्रो हुए थे ना, मज़ा आ गया था। उस पर ना मिर्च लगनी स्टार्ट हो गई, पता नहीं पापा के दिमाग में क्या आया, उन्होंने ना मतलब कि नीचे ऐसे घास हो जाती है यहाँ पे बहुत, जैसे अभी आपको दिख रही है ना ये वाली घास, उन्होंने ना उस पर स्प्रे कर दी, मतलब कि इन घास को ख़त्म करने के लिए। पता नहीं वो स्प्रे कैसे करी, सारी मिर्चें ख़राब, सारे प्लांट्स एकदम सूख गए, दूसरे तीसरे दिन ही सूख गए हमारे। फिर मन ही नहीं करा, अब मैं 2-3 साल बाद फिर से लगाऊं करने, मैंने 2-3 साल पहले करी थी वो चीज़। और देखते हैं ये कब तक कटती है जो चारा ये वाला, उसके बाद यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देंगे हम। यहाँ पे पाइप वगैरह डाल रखा है पानी के लिए, वो सामने आप देख रहे हो पाइप। और यहाँ पे हमने आम लगा रखे हैं, कुछ ऐसे कबाड़ की बेलें हो जाती है, और इसको ऐसा बनाऊँगा ना, इसको ऐसा बनाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा ऑर्गेनिक सब्जियां देख देख के। आज स्टार्ट करूंगा, पहले इसका जो ऊपर का घास है ये साफ़ करूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा खोद के इसकी मिट्टी को सॉफ्ट करूंगा, उसके बाद लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसकी बाउंड्री पे हमने ना ये कांटे वाली तार होती है लोहे की, ये लगा रखी है ताँ जो कोई भी अंदर ना आ सके। मेरे को वो दिक्कत नहीं है, सब्जी तोड़ के लेके जा रहा है कोई। हाँ, सब्जी लगाते हैं खाने के लिए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी तोड़ ले जाओ, लेकिन उसके बाद जो बर्बाद करते हैं ना दूसरी सब्जियां, फिर बड़ी दिक्कत आती है। और इसमें गेट लगा हुआ है सामने, ये आप चेक करो, इसमें ताला लग जाता है। और ये हमारे पंजाब के खेत, यहाँ से जो धान है, चावल है, चावल की खेती है, ये कटवा दी गई है मशीन से, और ये चावल अभी मंडी में लेके बेचने के लिए चले गए हैं। बहुत अच्छी ज़मीन है ये पंजाब की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। अब बारी है उस चीज़ की काटने की, देखो वो पक चुकी है, ये किसी और की है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पक चुकी है, अब इसको भी काटने की तैयारी है। उम्मीद है 5-6 दिनों में ये भी काट देंगे और यहाँ तक हमारी बाउंड्री आती है, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ लग जाएगी ऑर्गेनिक। लेकिन मेहनत इतनी करनी पड़ेगी ना, ओ भाई साहब, करेंगे देखेंगे, करूँगा, लेकिन इस काम में ना मज़ा सा आ रहा है। मतलब कि जैसे कि ना पालक लगाई थी, पालक हो गई है, साग लगाया था, साग हो गया है, ठीक है, और मेथी लगाई थी, मेथी हो गई, मतलब कि हो रहा है। टमाटर के पे प्लांट्स है, वो इतने अच्छे हो गए हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है बस काम में। इसमें मेरे पास ना ये चाय वाले ग्लासेस पड़े हैं, इनमें मैं लगाऊंगा मिर्चों की पौध। अभी मैं मिर्चों के सीड्स ढूंढता हूँ, क्योंकि मिर्च फिर उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, वो जो आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया है ना खेत, वहाँ पे पहले तो मिर्चें ढूंढनी पड़ेंगी। फाइनली गाइस, मिर्चें मिल चुकी हैं, और जितने भी ये सीड्स हैं ना इसमें मिर्चों के,
और उतने गिलास लेके उनमें सब में मिट्टी फिल करके ये सीड्स लगाऊंगा। 15-20 दिन में भी हो जाएंगे 15-20 दिन में, और इन ग्लासेस में मैं लगा देता हूँ। जब ये बड़े हो गए फिर उधर ट्रांसफ़र कर लूँगा, तब तक के लिए मेरा खेत भी रेडी हो जाएगा। और ये कोकोपीड मिट्टी और खाद ऐड करके मिट्टी बना के इनमें मैं सीड्स लगा रहा हूँ मिर्चों के। फाइनली गाइस मिर्चों के लिए मैंने खाद ले ली है, अब बारी है मिट्टी की। मिट्टी इसमें डालूंगा और फिर मिक्स करके गिलासों में डाल के उनमें मिर्चों के जो सीड्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। ग्रीन चिल्ली के सीड्स हैं ना, वो उन गिलासों में लगा देंगे। फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे एक क्यारी तैयार करके साइड साइड में, फिर यहाँ सारे जो मिर्चों के प्लांट्स हैं वो यहाँ लगा दूंगा। फिर मिट्टी और खाद साफ़ कर लिए बिल्कुल, और अब बारी है कोकोपीट इस पर मिक्स करके, फिर इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद गिलासों में सीड्स लगाएंगे। आओ पहले कोकोपीट डालते हैं इसमें। कोकोपीट खाद और मिट्टी मिक्स हो चुकी है, अब बारी है इनको गिलास में ट्रांसफ़र करने की, और उसके बाद उस गिलास में लगाएंगे हम ग्रीन चिल्ली के सीड्स। ये आगे हमारे पास मिर्ची के सीड्स, और इनको थोड़ी देर भिगो के रखूँगा, फिर बारी है इन गिलासेस में लगाने की। तब तक भिगो के रखूँगा जब तक इनके मतलब कि वो नहीं होते, मिट्टी फिल नहीं होती इनमें। उसके बाद इन सीड्स को एक एक करके सभी गिलासों में लगा दूँगा। हमारे 21 ग्लास रेडी हो गए हैं, अब बारी है इनमें एक एक बीज लगाने की सीड्स। मैं इन सब में लगा के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल के हल्का हल्का पानी दे दूंगा इनको, फिर मैं ऊपर रख दूंगा। फिलहाल मैं अभी यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि मैं शॉप पे हूँ। इनको फिर उठा के ऊपर छत पे रख दूंगा क्योंकि ये इसी खेत में लगाने हैं, तो इनकी देखभाल यहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं घर लेके गया तो वहाँ से लाना और भी मुश्किल होएगा, टूट भी सकते हैं। तब तक के लिए इनमें सीड्स लगाता हूँ, फिर इनको ऊपर रख दूंगा शाम में। इन सभी में तो लग चुके हैं और सीड्स मेरे पास अभी भी बहुत बचे हैं, इनको भी लगाता हूँ इन गिलासों में। मिट्टी पड़ी है, सीड मैं वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, इनको लगाता हूँ सभी गिलासेस में, फिर आपको मिलता हूँ लगाकर। फाइनली गाइस मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने इतने सारे मिर्चों के प्लांट्स जो सीड्स है वो ग्रो होने के लिए लगा दिए। होएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और एक 61 प्लांट है। जब ये हो जाएंगे इस पर ग्रीन चिली लगना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मेरे को पता है मेरे को क्या खुशी मिलेगी, और घर वालों को पता है भी घर वालों को क्या खुशी मिलेगी। उम्मीद है हो जाएंगे, मेहनत कर रहा हूँ हो जाएंगे। इनको मैं अब ऊपर धूप में रखना है, और इन पर हल्की हल्की मिट्टी डाल के हल्का हल्का पानी देना सबको, शाम को ऊपर रख दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाना, और कमेंट करके बता देना क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। प्लीज़ आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करेगा, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, सही कर रहा हूँ तो वेल एंड गुड है वो भी मेरे लिए। और इनकी ग्रोथ मैं आपको डेली अपडेट दूँगा अपने हर एक ब्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।